ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। एक महत्वपूर्ण प्रसंग हो रहा था आध्यात्मिक जीवन में, अधिकारवाद। क्या ब्राह्मण नहीं होने से भी सिद्धावस्था संभव है? ठाकुर ने कहा क्यों नहीं। कुलिते शूद्र भुक्तिर कथा आछे, विशेषत कलियुग में। लेकिन शूद्र भक्ति का विवरण हम त्रेता युग में भी देखते हैं, भगवान रामचंद्र जी की, जिसके उदाहरण ठाकुर ने दिया है। लेकिन विशेषतः कली में, कलियुग में अनेक दृष्टांत हम लोग देखते रहते हैं। और हम लोग का विषय चर्चा किया, इट केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द ऑपरेशन टूवर्ड्स द लोअर कास्ट्स। जात पात छुआछूत के जो अत्याचार, इसको चुनौती देते हुए शूद्र भक्ति का जागरण हुआ था। और ये भक्तिवाद का चार बिंदु पर विस्तार है। इट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन फोर कॉर्नर स्टोन्स। प्रथम, ईश्वर एक है। अनंत है एवं हम लोग सब ईश्वर के स्वांतान है। तो प्रथम बिंदु से ही इन लोग अधिकारवाद को हटा दिया। इफ ऑल ऑफ अस हैव द सेम फादर, वी ऑल आर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। कोई विभाजन तक कोई यहाँ पर संभावना नहीं है। द्वितीय बिंदु है कि भगवान के द्वार सबके लिए उन्मुक्त है। कोई भी जाति का हो, वो चाहे तो भगवत प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के कोई पर्याय नहीं। वी ऑल आर हिज चिल्ड्रन। ये गलत है सोचना कि कोई व्यक्ति को भगवान मिलेगा जाति का अनुसार बनना। कोई भी विभाजन नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल डिविशंस, एनीवन इज वेलकम टू रियलाइज गॉड इन दिस लाइफ, ऑल ह्यूमन बींग्स। ये द्वितीय बिंदु है। तृतीय है, भक्ति का माध्यम से ही भगवत प्राप्ति करना संभव, एकमात्र भक्ति से, और कोई पंथ का जरूरत नहीं है। ईश्वर के लाभ करने के अनेक उपाय हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि पहले सोचा जाता है शास्त्र अध्ययन नहीं करने से, वेद वेदांत तो नहीं पढ़ने से ज्ञान नहीं होगी, और शास्त्र चर्चा आचार अनुष्ठान से इन लोग को, शुद्ध जाति को अलग कर दिया, अधिकार है। इतना भी उल्लेख है, कोई शुद्ध जाति अगर गलती से
शास्त्र का वचन सुन ले, उनके कान में गरम सीसा डाला जाता था, इतना अत्याचार हुआ। हॉट लेड इज टू बी पोर्ड टू डिफ्यूज इज हियरिंग एड फॉर एवर, अन्याय किया है। अरे दूर का बात नहीं है, अब जानते हैं इवन स्वामी विवेकानंद का पर कैसे अनादर हुआ था। दक्षिणेश्वर में उनको ठाकुर के उत्सव में प्रवेश अधिकार नहीं मिला, कारण वो म्लेच्छ हो गए, अब्राह्मण, एक तो अब्राह्मणों के संन्यास लिया और काला पानी पार कर लिया, विदेश चले गए, त्याज्य है। इतना जात पात का विभाजन, इवन अमरीका से लौटने के उपरांत जब उनको कलकत्ता में संवर्धना ज्ञापन किया, जो प्यारीनाथ मुखर्जी, उन्होंने उन्हें उनको बताया, ठीक है मैं इसको तो सभापतित्व करूँगा, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि अब्राह्मण का संन्यास में अधिकार है, तो मैं उनको स्वामी विवेकानंद नहीं बोलूँगा, ब्रादर विवेकानंद संबोधन करूँगा। वही हुआ है, वही लिखित हुआ है, अर्थात ये कोई दूर का बात नहीं है। इसलिए ये विषय बहुत हमारे लिए प्रासंगिक है, हमारे जीवन में ये सब चिंतन अपनाना चाहिए, हमें उदार मनोभाव होना चाहिए। तो तीसरा बिंदु था, भक्ति के माध्यम से कोई भी ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है, मन की पवित्रता ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जितने मानसिक रूप से पवित्र होंगे, उतना ही वो भगवान के नज़दीक पहुंच जाएंगे। ये आधार पर भक्ति का आंदोलन हुआ, संत कबीर, संत रविदास इत्यादि बहुत से संत का आगमन हुआ। इसमें से ठाकुर उदाहरण स्वरूप, जो शूद्र भक्ति का उदाहरण स्वरूप, रुईदास, शबरी और गुहल चंदल का उल्लेख किया है। नाउ पहले हम लोग रुईदास का संक्षिप्त चरित्र देखते हैं, बहुत ही वंदनीय चरित्र है। रुईदास का जन्म लगभग 600 साल पूर्व काशी में माघ पूर्णिमा में हुआ था। अभी भी वहाँ पर जन्मस्थान में एक मंदिर बना हुआ है, एवं माघ पूर्णिमा में बड़ा धूमधाम से उत्सव होता है। लक्षण यह है कि लाटू महाराज के जन्मतिथि भी हम लोग माघ पूर्णिमा में मनाते हैं, जबकि उनके जन्मतिथि के बारे में हमारे स्पष्ट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तभी हम लोग उस तिथि मनाते हैं। ये पावन तिथि जो कि रुईदास के जन्मतिथि भी थे। अब इनका जो जीवन गाथा बड़ा अद्भुत है। ये मोची परिवार से जन्म ग्रहण किया एवं पैतृक जो व्यवसाय है जूता बनाना, वही वो करते रहते थे। और
जूता बनाने का कर्म इतने प्यार से, इतने अनुष्ठान से, इतने निष्ठा से करते थे, वही उनको साधन बन गया। दिस इज द मेन पॉइंट। स्वामी जी अपने कर्मयोग का चर्चा में ही भी उल्लेख किया, अगर कोई मोची अपना जूता भी पूरा मन लगाने से करते हैं, उससे उसका मुक्ति हो जाएगा। जिसका दृष्टांत है रुईदास जी। दूसरा कोई साधन बाधन उसको नहीं है, जो कर्म उनको भगवान दिया है वही कर्म उनको साधन बन गया। वर्क इज वर्शिप, कोई थियोरिटिकल बात नहीं है, आपने जीवन में करके दिखाया। और इतना आनंद होता था कि जूता बनाकर उपहार भी भेंट भी चढ़ाते थे, एवं जो पैसा मिलता था उससे पहले संत को सेवा करते थे, और जो बचता था उससे परिवार निर्वाह करते थे। तो ये उनका निष्ठा से इतने प्रसिद्ध हो गए कि चारों ओर उनका सुनाम फैल गया। ये संत गुरु रामदास के 12 शिष्य में एक थे, और कबीरदास जी उनके गुरु भाई थे। जब उनके प्रसिद्धि चारों ओर फैल गए, तब राजा रानी अनेक व्यक्ति उनको दर्शन करने के लिए आते थे, एवं चित्तौड़गढ़ के महारानी मीराबाई उनके शिष्यत्व ग्रहण किया। मीराबाई ने उनके भजन में है, गुरु मिलिया मैं रुईदास जी, देन इन ज्ञान बखानी, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। और संत रुईदास जी मिला ध्यानिन देनिन सुधारा साधनी, साधन भी मिला उनसे, भगवान लाभ के उपाय एवं दीक्षा भी मिला, जिसके जरिए उनके इष्ट लाभ हो गया, कृष्ण का लाभ हो गया। संत रुईदास जी पहले राम और कृष्ण के भक्त थे, सगुण उपासक थे, बाद में वो निर्गुण उपासक बन गए। और उनके दोहा चौपाई इतना प्रसिद्ध हो गए, वो आज भी प्रचलित है। आप सब जानते हैं, बहुत एक प्रसिद्ध भजन है, प्रभु तुम चंदन हम पानी, अद्भुत भजन है। अर्थात भक्त और भगवान एक दूसरे के परिपूरक है, दे आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। चंदन को जब तक नहीं पीसा जाता उसका गंध नहीं निकलता, और चंदन पीसने के समय पानी लगता है। अर्थात भक्त को चाहिए भगवान का प्रकाश करने के लिए, ताई तुम्हार आनंद पर
प्रभु ताई एसे चुनिछे आमाय नईले त्रिभुवनेश्वर तुम्हार प्रेम हो तो जीवचे। भक्त बिना भगवान का प्रेम व्यर्थ हो जाता है, जैसे चंदन के साथ पानी का संयोग होना चाहिए वैसी भक्त के साथ भगवान का सम्मिलन। मूर्ति तुम्हार जुगोल सम्मिलने जेताए पूर्ण प्रकाशित है, रविंद्र संगीत में है, भक्त भगवान एक साथ मिलने पर ही उसको पूर्ण प्रकाश होता है। तो उनके चुहा दईपाए बहुत प्रसिद्ध हो गए, कहा जाता है गुरु नानक से भी वह मिले थे और पंचम गुरु अर्जुन सिख गुरु अर्जुन उनके जो आदि ग्रंथ है फर्स्ट बुक अब गुरु ग्रंथ साहिब वहाँ पर रुईदास जी का लगभग 40 दोहा उनमें सन्निविष्ट कर दिया। अर्थात एक मोची का जात होते हुए भी चमार का कर्म करते हुए भी अनपढ़ होते हुए भी उनका वचन शास्त्र बन गया और गुरु ग्रंथ साहिब को उन लोग साक्षात गुरु मानते हैं। कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया, सिर्फ भक्ति के माध्यम से, पवित्रता के माध्यम से। उनका प्रसिद्ध उक्ति मन जब चंगा कठौती में गंगा, गंगा का पावनी शक्ति है, पवित्रता स्वरूपिणी, इसके लिए हमें गंगा के पास पहुंचने का जरूरत नहीं है। अगर हम मन को पवित्र कर लें तो वही गंगा हमारा कठौती मतलब कमंडलु जो कठौती का मतलब वाटर पॉट, वुडन वाटर पॉट, कमंडलु में जैसे पानी रखा जाता है वो कमंडलु में गंगा का आविर्भाव हो जाएगा मन का पवित्रता का जरिए। यू शुड कॉन्सेंट्रेट हाउ टू प्यूरिफाई अवर माइंड गिविंग अप ऑल अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज, उससे धर्म जीवन का बहुत व्यर्थ समय नष्ट होता है और भगवान को नाम स्मरण करने से ही, भगवान को भक्ति करने से ही मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। मन का पवित्र करने का मतलब है मन को कामनाहीन करना, वासनाहीन करना, वो कभी संभव नहीं है। लेकिन जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं कामना वासना अपने आप दूर चले जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। कबीरदास जी इतने प्रसिद्ध संत थे, उन्होंने भी बताया संतन में रुईदास, रुईदास जी वॉज ए सेंट ऑफ सेंट्स इन दैट एरिया, कलियुग का उत्थान बोला है ठाकुर जी। रुईदास जी एक उज्ज्वल प्रमाण है, संभव है करके दिखाया और हमारे वो वरणीय है। मीराबाई के आमंत्रण से वो चित्तौड़गढ़ पहुँच गए और वहाँ पर ही लगभग 120 साल आयु में उनका निर्भाव हो गया। अभी भी कहीं कहीं पर रुईदास या रविदास उनका मंदिर है, कोई कोई दास कम्युनिटी अपने को रुईदास का परंपरा समझते हैं। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी भी हमारे भीतर जात पात के कारण जो श्रद्धा ज्ञापन करना चाहिए था
नहीं हो पा रहा है। लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट। अब जानते हैं कि लखनऊ आश्रम में जो अस्पताल है, विवेकानंद अस्पताल, उसके सामने जो फ्लाईओवर के बगल में ही रेल लाइन के किनारे में रोहिदास जी का मंदिर है, वहाँ पर बहुत ही कम आदमी जाते हैं। वो चमार का कम्युनिटी का मंदिर समझा जाता है। अभी भी उनका स्टिग्मा पड़ा हुआ है, सेंट ऑफ सेंट्स, हमारा मन में अभी भी रिजर्वेशन है। लखनऊ में अगणित भक्त आए हैं, कोई भूल बोला या दर्शन छोड़ता नहीं है, लेकिन कितने व्यक्ति रुईदास का मंदिर देखा है? आश्रम के बगल में है, क्योंकि प्रचार नहीं हुआ। एंड हमारा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जात का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम लोग उच्च बढ़ना है, निम्न बढ़ना है। जब तक मन से ये जात पात का संकीर्णता नहीं जाएंगे, तब तक मन का पावनीय शक्ति नहीं होगा। ये हमारे लिए बड़ा शिक्षा है। ठाकुर ने खड़ा कर दिया नाम उल्लेख करके और बचनामृत में उसका समनोजन कर दिया। तो ठाकुर की वाणी हमें याद रखना चाहिए कि भगवान के द्वार सबके लिए उन्मोचित है। अगर हम भी रुईदास जी के जैसे सरल प्राण में भक्ति सहकार जो काम हम कर रहे हैं, व्हाट एवर वी आर डूइंग, उसका पूजा रूप से करें, उससे हमारा भगवत प्राप्ति होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में कहा है, इसके दृष्टांत है, गोल्डन इलस्ट्रेशन और स्वामी जी सेइंग इन दी कर्मयोग। इसके आगे हम शबरी और गोल चंदन का बात भी करेंगे। तो यह अपूर्व भक्ति गाथा तभी हमारा जीवन में सार्थक होगी जब हम अपने जीवन में भी इन लोग के पदांक अनुसार भक्ति प्रतिष्ठित करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। रविवार के जप यज्ञ कार्यक्रम में आप लोग अवश्य अपने अपने समय पर हाजिर होकर भगवान का नाम अनुस्मरण करेंगे। यद्यपि जो नाम का स्लॉट आपने दिए हैं उससे ज़्यादा भी कभी समय आप करने चाहते हैं, आप स्वागत है। और किसी दिन शायद उस समय में आप नहीं कर सका, दूसरे समय में भी कर सकते हैं, लेकिन नागा नहीं जाना चाहिए। शुड नॉट गो विदाउट इट। और नहीं होगा तो भगवान के चरण में प्रार्थना किया जाए, प्रभु हमारे अवसर नहीं मिला, क्षमा कर दीजिए। परम करुणा निधान है, वह हमें अवश्य अवसर प्रदान करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।